हेलो एवरीवन। तो देखिए, यहाँ पर हम जेई मेंस पीवीएसईर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कैपेस्टर 2022 का बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि अगर आप इसको करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर वन becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting spheres of radius r2 connected to the earth, the ratio of their radii r2 upon r1। तो देखिए, यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस r1 है, और इसको जब हम इनक्लोज करेंगे r2 रेडियस के स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो उस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो n टाइम हो जाएगी। पहले जो थी, रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये इसकी रेडियस r1 है और इसको r2 रेडियस के स्फीयर के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर इसकी ये रेडियस r1 है, इसकी कैपेसिटेंस हम C1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2 है। यहां पर इसकी कैपेसिटर C2 होगी, ये n टाइम C1 के होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। C2 की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन, और ये एन टाइम्स सी वन की वैल्यू, ये सिंगल स्फीयर है तो इसकी कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन कैंसिल हो जाएगा, तो आर टू अपॉन, इसको हम पलट देंगे, R2 माइनस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n की हो जाएगा। 1 अपॉन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसे हम ट्रांसफर करेंगे, इसे राइट साइड ले जाएंगे, इसे लेफ्ट साइड, तो 1 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। एलसीएम लेंगे यहां पर n, तो ये n माइनस वन आर वन अपॉन आर टू के इक्वल होगा, और हमको फाइंड करनी है वैल्यू आर टू अपॉन आर वन की। तो ये आर टू अपॉन आर वन की वैल्यू होगी n अपॉन n माइनस वन के इक्वल। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 का।